तो हमने आपसे बताया था कि 8 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो फिजिकल का डेट था 18 अगस्त से 28 सितंबर। अभी तक जहां तक मैं और मेरी पूरी टीम देख पा रही है कि ना तो SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना ही नोडल एजेंसी मतलब CRPF, अभी तो पक्की बात थी कि ITPP नहीं करा रहा है। तो अब मसला ये था कि किसी भी एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं अभी तक हमको मिल पाई है। शाम के टाइम में ये बात आज कर रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग हमेशा मतलब कि बहुत क्लीनली अपने स्टूडेंट्स के बारे में सब सब कुछ सारे डेटा पर काम करते रहते हैं। जैसे 7 आया तो 8 की बात दिमाग में आ गई, कल से तो एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। तो फिर हमने इस पर भी काम किया, हमारी टीम ने काम किया, और जिस कॉन्क्लूज़न पर हम लोग पहुँचे उसमें हमें अभी पता चला कि अभी कहीं पर कोई डिटेल नहीं है कि कल एडमिट कार्ड कल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो फिलहाल इस बात पर नहीं आते हैं। जैसे लिखा है SSC GD मानसिक द्वंद में विद्यार्थी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई कि आपको पता है कि 27 अगस्त से 2025 का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट है, सारा का सारा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं मतलब कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी जिनके 10 नंबर ज्यादा, 15 नंबर ज्यादा, 8 नंबर ज्यादा, वो कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में बने हुए हैं। जो मतलब ये हम इस डिलेमा में चल रहे हैं कि आखिर क्या करें। जिस हिसाब से हम रनिंग लगा रहे हैं, अगर इस डेट के बीच में हमारा फिजिकल हो जाता तब तो बहुत अच्छा था, नहीं तो हम ना इधर के हुए ना उधर के। और आपको ये भी पता होगा 60 लाख स्टूडेंट ने, 60 लाख मैं बोल रहा हूँ, 60 लाख स्टूडेंट ने UPP का एग्ज़ाम दिया था। वो री एग्ज़ाम का डेट भी आपके सामने है। तो जो ये 3 लाख, 3.5 लाख लड़का, 3.5 लाख लड़का जो आपका ये फिजिकल देने जा रहा है, 3,51,52,000, ये भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% UPP का एग्ज़ाम देने वाला है। मतलब 100%, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा कि यूपी में कभी मैंने राजस्थान, हरियाणा और मतलब बाहर के बच्चों को UPP के फॉर्म एग्ज़ाम में आते नहीं देखा। इस बार मैंने सेंटर्स में विजिट करके देखा, कोई स्टेट नहीं बचा था जहाँ से बच्चा UPP का एग्ज़ाम देने ना आया हो। तो लगभग सारा बच्चा UPP का एग्ज़ाम देगा। ये डिलेमा क्यों है? आखिरकार इस डिलेमा के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब वो अगर केवल अपना पूरा ध्यान दौड़ में लगा दे तो वो उसके हाथ से दो चीज़ जा रही, UPP का ये वाला वैकेंसी उसके हाथ से फिर जा रही। क्योंकि भाई पक्की बात है, री एग्ज़ाम हो रहा है, दिमाग में एक द्वंद्व होगा, पेपर टफ हो सकता है, पेपर टफ होगा और बिना पढ़े तो कुछ होना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर ठीक ठाक था, वो कंटिन्यू दौड़ रहे थे कंटिन्यू, अब इसी बीच में एक रिटर्न लग गया और दूसरा फॉर्म आ गया। तो ये सबसे बड़ा द्वंद्व वास्तव में ये है। लेकिन मेरे भाई इसी का नाम कंपटीशन है, इसी का नाम कंपटीशन की तैयारी है, इसी का नाम ज़िंदगी भी है। ऐसे ही आप कंटिन्यू, कभी भी आप कंफर्ट जोन में जा कर के तैयारी नहीं कर सकते, हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन की खाल को उतार के फेंक देना होगा। क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं द्वंद में पड़े पड़े एक दिन रोल नंबर छप के आ जाएगा। आप अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए, सिस्टम एक दिन आपका रोल नंबर दिखा देगा, उस दिन के बाद से चीज़ें बदल जाएंगी। तो पहला तो बिल्कुल किसी द्वंद में ना रहें। जिन बच्चों का फिजिकल लगा हुआ है, जिनको लगता है कि वो सेफ जोन में हैं, वो फिजिकल की तैयारी करते रहें। लेकिन आपको ये पता है कि ना कोई 24 घंटा दौड़ेगा और ना कोई 24 घंटा पढ़ेगा। जो इस समय में सामंजस्य बैठा लेगा कि वो कंटिन्यू फिजिकल भी करता रहेगा और साथ ही साथ अपने हिस्से की पढ़ाई भी करता रहेगा, उसके सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं आज का वीडियो लेकर यही आया, इसीलिए आपके बीच में आया कि पहले अपने दिमाग से सारे मानसिक द्वंद को निकाल दें और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं दौड़ूं या मैं पढ़ूं। तो भैया मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपनी फैमिली को एक योग्य लड़का देना चाहते हैं तो आप दोनों को सेट करिए। इतना मत दौड़ दीजिए कि रात को आपको 0 डॉल्पी खा के सोना पड़े, और इतना मत पढ़िए कि फिजिकल जाने के लिए आपको मतलब आपको JCB से उठा के भेजा जाए कि जाओ बेटा दौड़ लो। मतलब कुल मिला जुला करके आपको पढ़ना भी है और आपको दौड़ना भी है, क्योंकि एक फिजिकल, दूसरा रिटेन, तीसरा फॉर्म, तीन चीज़ें आपके हाथ में लगी हुई हैं, आपका SSC GD का फिजिकल, UPP का एग्ज़ाम और SSC GD 2025। तो जम करके तैयारी करते रहें और 2025 में जो बच्चे फाइनली, जो मतलब कि यहाँ किसी कारण से रुक जाएंगे, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल ही रहे हैं, और जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, जो UPP देने वाले हैं, उन सब के लिए काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। जय हिंद प्यारे भाइयों।